हैं हम लोग समाहरणालय वाले पुलिस क्लब के पास में, और आप देख सकते हैं कि जितनी भी गाड़ियां आ रही है सबको पुलिस क्लब में ले जा रहे हैं। और ये अफरा तफरी बजेंद्र सिंह के प्रोग्राम को लेकर के, और पुलिस अपनी मुस्तैदी से जो करना है वो कर रही है। जितनी भी छोटी गाड़ियां हैं सब पुलिस क्लब की तरफ घुसाया जा रहा है। यहीं से शायद लोगों को फिर पैदल जाना पड़ेगा। सब ये है एसपी सर खुद ही, मतलब कि ट्रैफिक ये करने के लिए एसपी सर खुद ही उतरे हुए हैं, ट्रैफिक को ये कर रहे हैं। देखिए हम में फंस गए, और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से समाहरणालय से, मतलब सारी गाड़ी समाहरणालय के पास में रोक दी गई है, वहाँ से हम पैदल चल रहे हैं। तो और हमको कितना मिनट लगेगा घर पहुँचने में, ये देखिए पूरे का पूरे गाड़ी लगा हुआ है जाम बिल्कुल हेलनपुर के पास से। चलने का ये पहला अनुभव, बड़ा मज़ा आ रहा है इतने सारे गाड़ियों के बीच से निकलते हुए। देखिए पीछे मेरे गाँव का है, ये गाड़ी की गाड़ी लगी हुई देखिए। देखिए दीदी क्या बोल रही है कि आज सिमडेगा में ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान ही दर्शन दे रहे हैं, तो हम लोग भी चलते हैं ना, जाते हैं गुजर में और मिलवाते हैं आप लोग। चलिए लग रहा है भगवान अवतार ले लिए हैं दोबारा। भीड़ देख के कैसे लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि एकदम हम लोग का पूरा भारत का आदमी सिमडेगा में ही आ गए हैं। भयंकर भीड़ ना? भयंकर भीड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। जाने का भी पांव रखने का जगह नहीं मिल रहा है, तो देख के लग रहा है पीछे कितनी गाड़ियां आ रही है हमारे पीछे, और हम लोग पैदल चल रहे हैं। आगे भी बहुत सारे लोग हैं, और देखिए आप पीछे भी देख सकते हैं काफी लोग आ रहे हैं। आपको बहुत देखते हैं सिमडेगा में? अच्छा अच्छा लगता है ना? हाँ अच्छा लगता है, वो ऐसा भी फेस्टिवल देखते हैं, लेकिन हम बात नहीं किए हैं ज्यादा, एक बार टोके हैं जैसे लग रहा है दो बार। अच्छा हम तो केयर कंपनी में काम करते हैं ना। हाँ हाँ प्रशासन अपना काम करते हुए बहादुर सर उमन से भेंट हम तब नहीं। देखिए लोग श्रद्धालु कैसे पैदल चल रहे हैं, सब जहाँ पे प्रॉफिट जी का प्रोग्राम चल रहा है वहीं पर जाते हुए। पूरा ये सिमडेगा का मेन रोड, क्योंकि गाड़ियाँ पहले ही रोक दी गई थी, तो इसलिए सदर अस्पताल पहुँच रहे हैं। और देखिए कितने श्रद्धालु चल रहे हैं, यही एकमात्र रास्ता है जहाँ से होकर के नागम टोली के मैदान में जाया जा सकता है जहाँ प्रोग्राम हो रहा है। माहौल है इस वक्त, देखिए सारी गाड़ियाँ उधर से ही जाते आते हुए। सिमडेगा प्रशासन को भी ये उम्मीद नहीं थी होगी कि इतनी भीड़ उमड़ेगी, सारे मजिस्ट्रेट अपने ड्यूटी में लगे हुए हैं। देखिए वो पत्रकार भाई जा रहे हैं। फोरग्राउंड पहुंच गए हैं, और इधर भी देखिए कितनी गाड़ियां लगी हैं और कितनी गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, लगातार आ रही हैं जा रही हैं। इस सिमडेगा के लिए बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला दिन है। वो जहाँ तहाँ रख कर चले गए, जिसके फलस्वरूप देखिए अब अभी जाने वालों के लोगों को परेशानी हो रही है। और ये हम लोग कॉलेज मोड़ से बाजार डाड़ जाने वाले रास्ते पर हैं, इसके बावजूद इधर भी वैसा ही जाम है। ये पूरे गाड़ी की गाड़ी है पीछे, ऐसा मतलब माहौल सिमडेगा में इसके बाद पता नहीं कब आएगा, लेकिन ऐतिहासिक हो गया है सिमडेगा के लिए ये दिन। और सब लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत ही मतलब इतना बहुत हुजूम लगने वाला भीड़ पहली बार सिमडेगा में देख सकते हैं। और मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि इस प्रार्थना सभा के बाद में सिमडेगा में जितनी तरह की हथियार, रेप और छेड़खानी और जो अपराध होते हैं उस पर कंट्रोल होगा, लोगों का मन ही नहीं आत्मा दिल शांति से भर जाएगा, लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कम करेंगे, ज़मीन की लूट कम होगी, और लड़कियों के प्रति जो अपराध होते हैं वो अपराध पर नियंत्रण होगा, आदमी स्वयं से मतलब कि शुद्ध हो जाएंगे और उन सब पापों से दूर हो जाएंगे। मैं ऐसा विश्वास कर रही हूँ कि प्रॉफिट जो आए हैं उनके आने से यहाँ लोग शांति से भर जाएंगे और एक दूसरे
के साथ में किसी भी प्रकार का अपराध, लूटपाट, एक दूसरे को ठगना, बरगलाना, सताना, लड़ाई झगड़ा करना, इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली धर्म का काम यही है कि लोग शांति से रहें और आत्मा तो और भी शांति से रहे और शुद्ध रहे, निर्मल रहे, सच्चा रहे। तो मैं यही उम्मीद कर सकती हूँ।